हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक अगेन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे T20 सीरीज़ जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही थी उसके आखिरी मैच की, जो कि डिसाइडर मैच था। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी वीडियो में कि मैं अभी अभी अपनी गाड़ी में आकर बैठा हूँ और मैं बस मैच फिनिश करके रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकला ही हूँ। और चूँकि मेरी इस टाइम सुबह होती है और आप लोगों की रात होती है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के मैच देखता हूँ। देन आई गो फॉर द शावर एंड एवरी थिंग एंड देन आई गो टू माई ऑफिस। तो आज का मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मतलब उस परस्पेक्टिव से, इंडियन परस्पेक्टिव से तो हमें अच्छा ही लगा। बट हाँ, एक जो रोमांचक मुकाबला होता है जिसमें आप कहते हैं कि आखिरी बॉल तक मैच जाता, वैसा कुछ नहीं था। तो इंडिया फिर एक बार टॉस हारा और एन मॉर्गन ने कोहली को बैटिंग करने के लिए बुलाया और कोहली एक बार फिर मतलब एक ऐसा रन लेने के चक्कर में थे जो कि था ही नहीं, रन आउट हो गए और रन आउट होकर चले गए वो। बट एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि कोहली जब आउट हुए और उसके बाद जब वो क्रीज में खड़े होकर राहुल को बोल रहे थे, तो इट सेंट अ वेरी रॉन्ग मैसेज, बिकॉज यू आर नाउ अ कैप्टन एंड इफ़ यू विल यू नो येल और यू विल आर्ग्यू विद योर टीम मेट्स, सो इट्स बेसिकली सेंड अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू देम। सो आई थिंक कि विराट कोहली को इस पर काम करना चाहिए। बाकी उसके बाद सुरेश रैना आया, फिर धोनी आया और उससे पहले केएल राहुल, सब ने अपनी आतिशी बैटिंग, विस्फोटक बैटिंग करी और रन बनाते चले गए वो। और बाकी जो बच्ची कुछ कसर थी वो युवराज सिंह ने आके 18वें ओवर में जो जॉर्डन के अगेंस्ट 3 छक्के 1 चौका मारा, तो मुझे तो एक बार को वो 2007 T20 वर्ल्ड कप का वो ओवर याद आ गया स्टुअर्ट ब्रॉड का, जिसमें युवराज ने एकदम मैच को पलट दिया था उन 3 6 छक्कों के साथ। तो युवराज सिंह में आज भी वो सारी बातें मची हुई हैं जो होनी चाहिए थी उनके अंदर। तो इंडिया ने कुल मिला के हार्दिक पांड्या की लास्ट ओवर हिटिंग के बाद 202 रन का टारगेट बनाया, जो कि मुझे लगा था कि आई थिंक सफिशेंट इनफ होगा मैच में इंडिया की परस्पेक्टिव से। और इंडिया की बॉलिंग साइड से शुरुआत अच्छी रही। पहला ओपनर जल्दी आउट हुआ सैम बिलिंग चहल की बॉल पर, और उसके बाद जो रूट और जेसन रॉय ने थोड़ा पारी को आगे बढ़ाया, पर मिश्रा ने आते ही पहली बॉल पर जेसन रॉय को कैच करवा दिया धोनी के हाथों। देन मॉर्गन और रूट पारी को आगे लेके जा ही रहे थे, इसी बीच में हमारे रैना जी को ओवर दिया गया और रैना जी ने तो कमाल ही कर दिया था, छक्के पर छक्के खा रहे थे वो। बट समहाउ, क्योंकि अभी भी टीम में धोनी हैं और धोनी ने रैना को समझाया और किसी तरह से आखिरी दो बॉलें ओवर की थी वो निकलवाई, जो कि सिंगल सिंगल ही गया। तो इस समय ऐसा लग रहा था कि मैच अभी भी इंग्लैंड की तरफ जा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी अच्छे से फाइट कर रही थी। और इसी बीच फिर हुआ चमत्कार, अमित मिश्रा ने अपना चौथा ओवर फेंका। चौथा ओवर बहुत ही कसा हुआ था, उसमें गुगली फ्लिकर सब कुछ, फ्लिपर सब कुछ डाल रहे थे वो, और अनफॉर्चुनेटली उनको दूसरा विकेट मिल जाता जो जो रूट का। बट रूट का जो कैच था इजी सा पॉइंट की तरफ, युवराज और जो नए बैट्समैन का डेब्यू था ऋषभ पंत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो जल्दी आउट नहीं कर पाए, कैच छूट गया वो। पर उस ओवर में अमित मिश्रा ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की कि दूसरे एंड पर मॉर्गन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, इतना प्रेशर में आ गए थे दोनों बैट्समैन की, उनको लग रहा था कि अगर ऐसे एक दो ओवर और निकल गया तो हम मैच हार से निकल जाएगा, तो दे हैव टू हिट इन एनी वे। तो वो जो प्रेशर मिश्रा ने बनाया, अगले ओवर में जब चहल आए तो उन्होंने उसका पूरा फायदा मिला। पहले मॉर्गन कैच आउट हुए चहल की बॉल पर और अगली बॉल पर उन्होंने जो रूट को एलबीडब्ल्यू कर दिया, प्लंक कर दिया। तो दो बड़े सेट बैट्समैन, दो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जब आप हाल ले लेते हो तो कॉन्फिडेंस ही बदल जाता है आपका मैच में। इंडिया ने वापसी कर ली थी मैच में अच्छे तरीके से, और उसके बाद तो फिर जो हुआ वो तो इतिहास में लिखा जाएगा इंग्लैंड के लिए काले शब्दों में। जिस तरह से उनकी टीम कोलैप्स हुई, एक के बाद एक बैट्समैन गिरता चला गया, और चहल के तो कहने ही क्या थे, उनकी तो लॉटरी लग गई थी। उस ओवर में 2 विकेट, उसके बाद उन्होंने अगला ओवर फेंका उसमें 3 विकेट निकाली उन्होंने, और एक ओवर में 3 विकेट और विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे मतलब हाईलाइट दिख रहे हो आप। और पूरी की पूरी टीम अगर हम देखें 119 रन पर 2 विकेट पर थी, और फिर 119 पे अगले 3 विकेट गिरे, फिर 123 पे गया, और आखिर में बुमराह ने मिलके उस पारी को ख़त्म कर दिया। तो जो टीम 119 पर 2 पर थी वो 127 पर ऑल आउट हो गई, और इंग्लैंड की टीम 75 रन से ये मैच जो है हार गई। तो इस जीत में इंडिया की तरफ से देखा जाए तो सबसे बड़ी भूमिका चहल की बॉलिंग में कह सकते हैं अमित मिश्रा की रही, नेहरा की रही, बुमराह की रही, और बैटिंग में धोनी, रैना, युवराज सबने अच्छा, केएल राहुल सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इस तरह से इंडिया ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम पर कर ली। विराट कोहली जो थे उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सीनियर प्लेयर को क्रेडिट दिया, नेहरा को, युवी को, धोनी को स्पेशली, क्योंकि वो बार बार अपने इनपुट उनसे लेते रहते हैं जिसकी वजह से टीम जीतती है, और फील्ड पर दिखता भी है, धोनी फील्ड प्लेसमेंट अभी भी कर रहे होते हैं।
तो आप सभी लोगों को भी इस सीरीज विन की मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई थिंक अगली सीरीज अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आएगी टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो वी विल रिव्यू दोज टेस्ट मैचेस ऑल्सो जैसे जैसे वो मैचेस होते चले जाएंगे। पर कुल मिला के ये वाला मैच जो था और ये सीरीज जो थी बहुत अच्छी रही। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के वाले दिन जिस दिन रॉजर फेडर ने मैच जीता, उस दिन सेकंड ओडीआई सेकंड T20 इंडिया ने जीता और वो हारा हुआ मैच, तो कुल मिला के पिछले 2-3 दिन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत ही माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए और आप सबके लिए भी रहे होंगे। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ पढ़ें देखें, पूरा टाइम वीडियोज़ देखने में आर्टिकल्स पढ़ने में निकल जाता है। तो गाइस कीप रॉकिंग, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इस चैनल पर आप बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, पुराने मैचेस अगर आप देखेंगे तो आप उनके एनालिसिस देखेंगे वहाँ पर आपको उन मैचों की याद आएगी किस तरह इंडिया ने बांग्लादेश को हराया था 1T20 वर्ल्ड कप के लीग मैच में, और भी पुराने बहुत सारे मैच हैं, कई मूवीज़ के रिव्यू मिलेंगे आपको। अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी है तो आप उनके रिव्यूज़ को देख सकते हैं वहाँ पर, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। सो मैन कीप ऑन रॉकिंग एंड ऑल द बेस्ट एंड keep rocking.